हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं और आज का ब्लॉग जो मैं सुबह से स्टार्टिंग कर रही हूँ, तो छत पे आई हुई हूँ। तो छत का जो व्यू है बहुत ही प्यारा सा है और आज ना मौसम थोड़ा सा ठंडा ठंडा टाइप से किया हुआ है, तो बस छत पे आ गए देख घूमने के लिए। घूमने के लिए क्या, वीडियो बनाने के लिए। तो बस देख लीजिए, और यहाँ पे आम का जो पेड़ में आम बहुत सारे होने लगे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ना छोटे छोटे आमों को देख करके। और ये देखिए, लग रहा है देखने से कि कुहासा है, पर कुहासा बिल्कुल भी नहीं है। और उधर पहाड़ है तो इसलिए ऐसा लग रहा है। तो काफ़ी अच्छा मौसम किया हुआ है और अभी सनराइज़ भी हुई है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी फ़िलहाल। और हमारे ना आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है देख करके। तो जो भी चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो ये देखिए, तो यहाँ पे ना सनराइज़ जो हो रही थी वो ना दिखाई नहीं दे रहा था, तो थोड़ा सा मैंने जो लाइट को कम किया। तो ये देखिए कितना अच्छा जो है मॉर्निंग में इस तरह से दिखाई दे रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तो मैं चलूँगी नीचे, नीचे भी काम करना है, बस वीडियो बनाने के लिए आ गई थी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर जो भी नहीं आते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और एड्स आते हैं तो प्लीज़ एड्स को भी पूरा देखिएगा। तो ये देखिए, ये जो हमारी जो गली है, आंगन है, इसे भी मुझे पोछा लगाना है। तो पोछा लगाते हुए तो नहीं दिखा सकूँगी क्योंकि फ़ोन कोई पकड़ने के लिए नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं दिखा पाऊँगी। तो बस देख लीजिए, इतना भी मुझे करना है और यही होता है मेरा सुबह का मॉर्निंग रूटीन। तो काफ़ी लंबाई में है तो पूरा भी देखिए, मैंने बाल्टी रखा है पानी, तो बस पोछा लगाना है अभी। और अभी सभी मेरे जो हस्बैंड है वो सोए हुए थे, तो मैं खुद ही शूट कर रही थी। तो चलिए पोछा लगा लेते हैं। और आ गई हूँ मैं किचन में, और मैं अभी बनाऊँगी सब्जी। तो सब्जी मैं बना रही हूँ कटहल की, तो कटहल को मैंने बॉयल करने के लिए डाल दिया है। और मैं मसाले, नॉर्मल मसाले जो घर के होते वही, और मैं कटहल को या तो पेपर के ऊपर रख के छिल काटती हूँ या तो फिर प्लास्टिक में। तो सब्जी मेरी बन चुकी है, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी। तो यहाँ पे मेरे हाथ में थोड़े से दिख रही होंगे अब गंदा है, तो मैंने हाथ नहीं धोया है क्योंकि बहुत हड़बड़ी थी, मेरे हड़बड़ी थी। तो जल्दी जल्दी पहले मैं रोटी बना लूँगी, उसके बाद फिर हाथ धोऊँगी। तो बस ये देखिए, मेरी रोटी जो है वो बन रही है। और खाना बनाते समय किचन काफ़ी गंदा हो जाता है, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा क्योंकि सभी के साथ ऐसा होता है। तो सफाई करूँगी बाद में, फ़िलहाल मैं खाना बना लूँ। और रोटी मेरी अभी बाद मैंने बनाया, अभी दाल चावल जो है वो मेरा बन चुका है। और ना मैं सुबह में ही दाल चावल बना लेती हूँ क्योंकि बच्चे हैं ना, तो दाल बच्चे लोग चावल ही ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। और ये जो रोटी है ये हस्बैंड के लंच के लिए हैं और नाश्ते के लिए है, मैं हम लोगों का नाश्ते के लिए है। तो लंच में मैं ना रोटी ही देती हूँ अधिकतर, तो भी वही रोटी बना रही हूँ। और चावल दाल बन चुका है, कटहल की सब्ज़ी बन चुकी है। तो मैं रेसिपी नहीं शेयर की क्योंकि रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हूँ मैं कटहल की सब्ज़ी की। और सब्ज़ी क्या, बस बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। और सुबह का समय ना बहुत सारे काम होता है, पर सभी काम तो हम नहीं दिखा सकते। तो ये देखिए, बर्तन वगैरह में जो मेरा जो था वो सारे बर्तन मैं धो ली हूँ। और अभी मैं ना बर्तन धोने के बाद मैं नीचे ही रख देती हूँ क्योंकि अगर डायरेक्ट मैं स्टैंड में बर्तन को रखूँगी ना तो पानी जो है उसका गिरने लगेगा नीचे। और ये देखिए, ये रही मेरी सब्जी कटहल की, तो दिखा इसको मैं ढक दूँगी। और किचन मेरी काफ़ी गंदा है, तो अभी किचन की भी सफाई करनी है। तो बस सारे बर्तन को स्टैंड में लगा दूंगी। और अभी झाड़ू वाड़ू मैंने नहीं किया है, तो झाड़ू वाड़ू करना है मुझे। वैसे मैं अपने रूम को झाड़ू, बस किचन को सुबह ही मैं झाड़ू लगाई थी, पर फिर खाना बनाने के बाद फिर एक बार झाड़ू लगा देती हूँ। और ये बस यहाँ पे गैस वगैरह जो उसे अच्छे से पोछ ले रही हूँ। ऐसे गैस पर मैं रोज़ खाना नहीं बनाती हूँ, पर फिर भी गैस जो है उसे रोज़ पोछती हूँ क्योंकि किचन मेरा ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो थोड़ा सा सामान वगैरह जो है वो रखने में प्रॉब्लम होता है। और उसके जस्ट ऊपर भी स्टैंड है ना, तो थोड़ा सा पानी वानी भी गिरते हैं, तो इसलिए मैं बर्तन को पहले नीचे रख लेती हूँ ताकि बर्तन थोड़े सूख जाते हैं, तब मैं स्टैंड में रखती हूँ। तो ये देखिए, और यहाँ पे हमारे यहाँ ना हीटर पे भी खाना बनता है, तो बस अच्छे से पोछ ले रही हूँ। और ये जो टेबल है ना, टेबल का जो प्लास्टिक है वो चेंज करना है मुझे, पर प्लास्टिक के लिए थोड़ा सा ना जाना होगा,
तो अभी जा नहीं पा रहे मार्केट, अगर मार्केट जाएंगे तो ज़रूर लेके आएंगे। और हस्बैंड को बोलती हूँ पर वह भूल जाते हैं, और कभी कभी मैं खुद ही भूल जाती हूँ। तो फिलहाल और ये चूल्हे को मैं अच्छे से मिट्टी लगा दे रही हूँ, तो क्योंकि मिट्टी लगाने से ना चूल्हा जो है काफ़ी सुंदर दिखता है, तो बस मैं मिट्टी लगा दे रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे किचन को देख के बुरा मत मानिएगा, छोटा सा है ना तो समझिए बस। और किचन ऐसा ही है मेरा, और यहाँ पे मैंने ना फ़ोन को चार्ज में लगाया था तो चार्जर लटका हुआ है। तो चलिए किचन उचन की सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से बातें करूँगी, मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। तो प्लीज़ आप लोग कहीं जाइएगा। फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ अपने बेडरूम में, और पोछा मैंने सुबह ही मैं लगा लेती हूँ, झाड़ू सबसे पहले तो झाड़ू ही करती हूँ, और पोछा भी मैं लगा ली थी पर फिर से पोछा लगाना पड़ रहा है क्योंकि बच्चे हैं ना तो खाते हैं तो जूठा वगैरह काफ़ी गिरा देते हैं, तो इसलिए फिर से पोछा लगा रही हूँ। और मैं इसी तरह पोछा लगाती हूँ बैठ करके ही, अब खड़ी होकर जो मॉप से होता है मैं उससे पोछा नहीं लगाती हूँ। और बहुत लोग पूछते हैं ना कि मैं इतनी फिट कैसे हूँ, तो पता नहीं है, शायद मुझे लगता है पोछा वगैरह लगाने से भी हम लोग जो है फिट रहते हैं। तो बस मुझे इसी तरह से आदत है पोछा लगाने की, और इसी तरह से मैं पोछा लगाती हूँ, तो बस मेरा पोछा हो जाएगा। और दिन भर में ना मुझे 4 से 5 बार मैं पोछा लगा ही लेती हूँ सुबह से लेकर के रात तक में। तो बस ये देखिए मेरा जो पोछा वो अच्छे से हो गया है, तो चलिए फ्रेश हो लेती हूँ, उसके बाद फ्रेश हो लूँगी। तो बस फ्रेश होके आई थी छत पे कपड़े डालने, तो ये देखिए मैंने कपड़े जो है डाल दी हूँ मैं। तो चलिए आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है, तो देखती हूँ ब्लॉग एंड करूँगी बाद में। तो चलिए मैं चलती हूँ नीचे। तो फ्रेंड्स अभी शाम का टाइम हो रहा है और फिर वही है, लाइट कट गया है। मैं तो परेशान हो गई हूँ, मैं क्या बोलूँ आप लोगों को। तो बच्चे हैं यहीं पर, मेरी बेटी है, और आप लोग को दिखाएं मैंने क्या बनाया आज हाथ में, टैटू। सच में परेशान हो गए हैं। तो बहुत लोग सोचते हैं ना कि ब्लॉग्स बनाना भी कुछ भी नहीं है, तो सच में जो करते हैं और ख़ास करके डेली ब्लॉग्स डालना बहुत मुश्किल होता है, और ख़ास करके अपने घर के काम करके। तो प्लीज़ हो सके तो आप लोग सपोर्ट किया कीजिए और वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए, और जो अगर मेरी वीडियोस पे एड्स आती हैं तो प्लीज़ एड्स को स्किप मत किया कीजिएगा, एड्स को पूरा देखिएगा। तो हो सके तो प्लीज़ एड्स को पूरा देखिएगा और थोड़ी सा समझिएगा, और हो सके तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और मुझसे भी जितना होगा, जिनका चैनल है, जो मेरे फ्रेंड हैं, तो मुझसे भी जितना होगा मैं भी ज़रूर सपोर्ट करूँगी। तो और आज का जो मौसम है ना वो बहुत अच्छा किया है, देखिए आज सुबह से ही मौसम अच्छा है, वैसे धूप की थी पर फिर से शाम हो गया ना तो फिर मौसम अच्छा और हवा बहुत अच्छी चल रही है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स हो सके तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और थोड़ा सा समझिए, क्योंकि रोज़ रोज़ ब्लॉग डालना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है, पर यूट्यूब पे आए हैं कुछ करने के लिए तो बस इसलिए डालते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए, और हो सके तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, और चैनल पे अगर न्यू आते तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर सके, और हो सके तो मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के थैंक्स फॉर वॉचिंग।